सर, आपके प्रेमनगर क्षेत्र में हाथियों का 11 दल आया हुआ है। आपके विभाग के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में बताइए। देखिए, हाथी मेरे यहाँ 4 तारीख को कोरिया से रामानुज नगर वन परिक्षेत्र में आए हैं। इसका पूर्व सूचना हमको मिल चुकी थी कोरिया वन पर, कोरिया रेंजर से मिल गई थी। तब से हमने पूरे जहाँ जो रूट है उनका, वहाँ हमने मुनादी करवा रहा हूँ और अलाउंस कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो इस रेंज में सभी तरफ फैला हुआ है, उसके माध्यम से भी सूचना दिया जा रहा है। और प्रतिदिन 5 बजे स्टाफ की ड्यूटी लगा दिए हैं डेटवार, और शासकीय वाहन से अलाउंस करते हैं और सावधान करते हैं। अभी तक उनके द्वारा कितना क्षति किया गया है? देखिए, अभी तक मकान क्षति आज बीती रात में एक हुई है, कल के बीती रात में भी एक हुई थी। इसके अलावा जो फसल है, कल 17 कृषक का हुआ था, आज 18 कृषक का हुआ है। क्षतिपूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है? क्षतिपूर्ति के लिए उनका आकलन किया जा रहा है, मौके पे जाके उनका फसल जो है, जो भी है, अरहर है, धान है, मक्का है, तो जितना क्षेत्र में डैमेज हुआ है उसको देख करके उनका क्षतिपूर्ति बनाया जाता है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ हाथी जो है 2 नर हैं, 7 मादा हैं, 2 सावक, टोटल 11 हाथी हैं। सर, अभी हाथी किधर जा रहे हैं? अभी हाथी हमारे बीट खजूरी के कक्ष क्रमांक P1898 कटाई पानी नामक स्थान पे रुके हुए हैं। कल भी वही केरा झरिया में रुके थे। एक चौरी पहाड़ जंगल है, वहाँ ठहरने का उनका पिछले साल भी वही रूट रहा, 3-4 दिन से कम नहीं रहते हैं। वो रुकते हैं और रात में उतर जाते हैं, तो धान वान खा के फिर उसी पहाड़ में चले जाते हैं। चूँकि बांस का प्लांटेशन है और इस समय पत्ता उत्ता अच्छे हैं, करील वगैरह हैं, तो वहीं रहते हैं और रात में, दिन में निकलते नहीं हैं। ये 5 बजे फिर निकलेंगे और तब से हमारा टीम जो है अलर्ट रहता है।